हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 9, यानी कि इससे पहले 8 पार्ट में इस चैप्टर के अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। सर, कोई भी चीज़ तभी हमको अच्छे से समझ में आती है जब उस चीज़ को मैं स्टार्टिंग से देखूँ या उस चीज़ को स्टार्टिंग से समझूँ। अगर मैं कोई भी चीज़ बीच से स्टार्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो सर, आपके लिए बेनिफिट है कि आपने अगर वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उन पार्ट्स को देखिए। तो सर, आज के पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आज के पार्ट में आपको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वो भी किस में, अर्थमेटिक मीन में, यानी कि अर्थमेटिक मीन में कैसे हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो गाइस, आइए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। तो आइए गाइस, अब बात करते हैं कि कैसे हम मिसिंग आइटम या मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं अर्थमेटिक मीन में। सर, मिसिंग आइटम या मिसिंग फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है? कभी कभी गाइस होता है क्या, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और क्वेश्चन में आपको अर्थमेटिक मीन भी दे दिया जाता है, बट सर आपकी जो कुछ मीन देने के बाद कुछ आइटम्स की जो ऑब्जर्वेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको नहीं दी जाती। मतलब सर, मतलब कहने का मतलब ये है गाइस कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, अर्थमेटिक मीन भी दे दिया गया है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है। तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है उसी फ्रीक्वेंसी को आपको फाइंड आउट करना होता है। ऐसे क्वेश्चन को ही हम बोलते हैं लोकेशन ऑफ मिसिंग आइटम फ्रीक्वेंसी या और फ्रीक्वेंसी इन मीन। इसी को हम बोलते हैं कि कैसे हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं अर्थमेटिक मीन में। तो आइए देखते हैं गाइस कैसे हम ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन से, कि जब हमें अर्थमेटिक मीन दिया और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गाइस, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं अर्थमेटिक मीन में। क्वेश्चन क्या है गाइस, इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 40 to 50 इज नॉट नोन। कहता है जो गाइस नीचे आपको टेबल दिया गया है, इसमें जो आपका जो क्लास इंटरवल है 40 to 50 वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है। ठीक है सर, फाइंड इट, इसको ढूंढो, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 52। अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, 52 है, तो आपको ढूंढना है ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसको आपको ढूंढना है। ठीक है, देखते हैं गाइस कैसे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, देखिए गाइस क्या करना है अब आपको, सबसे पहले आप देखते हैं करना क्या है हमें। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप सॉल्यूशन करते थे वैसे ही आपको एक कॉलम बनाना है। वो कॉलम किस चीज़ का बनेगा गाइस, वेजेस का कॉलम बनेगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप वेजेस का कॉलम बना लीजिए। वेजेस हमारे लिए क्या होता है गाइस, ये हमारे लिए एक्स होता है, तो मैंने एक्स का एक कॉलम बना लिया है। इसके बाद कॉलम बनाने के बाद गाइस, इसके बाद मैंने वेजेस का एक कॉलम बनाया। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या करते थे गाइस, याद करिए जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में अर्थमेटिक मीन को निकालते थे तो आप क्या करते थे, तो सर इसके बाद हम एक मिड वैल्यू का कॉलम बनाते थे जी। तो एक गाइस आप मिड वैल्यू का एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, मिड वैल्यू का भी हमने कॉलम बना लिया। ओके, इसके बाद क्या करते थे गाइस, याद करिए जो जो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करते थे वही चीज़ें हमें करनी है, कुछ अलग नहीं करना है। इतना करने के बाद आप क्या करते थे गाइस, इतना करने के बाद हम एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते थे जी सर। तो फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है सर, मैंने ये फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम बना लिया। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, तो मैंने एफ से फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम बना लिया है। ठीक है, इसके बाद एक और कॉलम बनाते थे, किसका कॉलम बनाते थे सर, एफ एम का, यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिड वैल्यू। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आप अपने वेजेस को लिख लीजिए, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, एंड देन 60 to 70 और 70 to 80, यही होता था गाइस। ठीक है सर, अब मिड वैल्यू क्या क्या दे रखी है गाइस, अब मिड वैल्यू निकालनी है, तो इसका मिड वैल्यू 10 + 20 / 2 यानी कि 15, 25, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है, 35, 45, 55, 65, 75, मिड वैल्यू गाइस पता होगी आपको कैसे करना होता है, लोएस्ट क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है, तो वही हमने किया है। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है जी सर, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लिख लेते हैं 5, 3, 4, 40 to 50 आपको नहीं पता है गाइस जी सर, इसको हम एफ मान लेते हैं। ठीक है, 2,
6 और 13. अब गाइस एफएम निकालिए, 15 5 जा 75, 25 3 जा 75, 35 4 जा कितना हो जाएगा इस 140. 45 को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 एफ हो जाएगा. ठीक है यहाँ तक सर? ठीक है. 55 2 जा 110, 65 6 जा हो जाएगा गाइस आपका 390, 75 13 जा हो जाएगा गाइस आपका 975. यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर. आगे बढ़ूँ? ठीक है. अब क्या करते थे गाइस इतना करने के बाद क्या करते थे बताइए. सो इतना करने के बाद तो हम टोटल करते थे. जी कर लीजिए टोटल. सिग्मा एफ कितना हो जाएगा गाइस, इन सबको जोड़िए. 538, 8 और 4 12, 12 और 2 16, 16 और 6 22, 22 और 35, तो 35 ये एफ है, इसको भी जोड़ देंगे एफ अलग से. इसको जोड़िए गाइस, ये सिग्मा एफ एम हो जाएगा. इस सबको जोड़िए, 7 1765 आएगा और 45F अलग से. ठीक है यहाँ तक क्लियर है? ठीक है पक्का? ओके आगे बढ़ूँ? जी ठीक है. इतना कर लिया गाइस. जी सर. अब याद करिए सर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में अर्थमेटिक के मीन को निकालने का क्या फॉर्मूला होता था सर? तीन फॉर्मूले थे, बट यहाँ पे क्या फॉर्मूला, कौन कौन से फॉर्मूले थे सर? तीन मेथड थे, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले थे. जी बट यहाँ पे आपको कोई मेथड स्पेसिफाई किया हुआ है क्या? नहीं सर. कोई मेथड मेंशन कर रखा है? नहीं सर. तो सर कोई भी मेथड लगा सकते हैं? जी. तो कौन सा मेथड लगाएंगे जो हमारे लिए आसान होगा? तो कौन सा मेथड आसान है? डायरेक्ट मेथड. जी सर. टैक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ. ठीक है ओके. यहां तक क्लियर है? ध्यान से देखिएगा चीजों को. एक्स बार क्या होता है सर? अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 52 बोला है ना, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 52, तो 52 यहां पे आप रखिए. सिग्मा एफ एम कितना है गाइस? 1765 प्लस में 45F. सिग्मा एफ कितना है? 35F. यहां तक क्लियर है? ठीक है. यहां तक क्लियर है गाइस? ठीक है. अब गाइस ये 35F इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में? भाई इधर की साइड अगर डिवाइड में है तो इक्वल टू से इधर जाके साइन चेंज कर लेगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ठीक है सर. ओके अब 52 को मल्टीप्लाई करिए 35 से, करके देख लेते हैं. 52 को 35 से मल्टीप्लाई, 52 मल्टीप्लाई 35, 1820. ठीक है ओके 1820. 52 को मल्टीप्लाई करिए एफ से, 52F. ठीक है. 1765 प्लस में 45F. ठीक है. 1820 माइनस 1820 हो जाएगा. यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया सर हमने? कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने गाइस? 35 हो रहा है, एक मिनट देखिए. 538, 84, 12, 12, 2, 14, 14 और 6, 20. सॉरी गाइस यहाँ पे 33 है आपका, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा. ये 33 आ रहा है, दैट इज 33 है गाइस, ये 33. ठीक है तो गाइस यहाँ पे भी 33 हो जाएगा. ओके ये आपका 33 है गाइस, ना कि 35 है. ठीक है करेक्ट कर लीजिएगा. दिस इज योर 33 नॉट 35. इंस्टेड ऑफ 33 की जगह हमने क्या कर दिया था? 35 कर दिया था. ठीक है सर, इसको 33 कर लीजिएगा अगर आपने नोट कर लिया है तो. अब इसको मल्टीप्लाई भी दोबारा करना पड़ेगा, तो 52 मल्टीप्लाई 3 1716 हो जाएगा, 1820 नहीं आएगा. ठीक है. ठीक है सर. तो अब क्या करना है? 1765 इधर क्या है गाइस? एक पॉजिटिव में है, इधर आगे नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज. ओके 45F. 52F इधर क्या है? पॉजिटिव में, इधर आगे नेगेटिव में हो जाएगा. ठीक है तो गाइस 1716 माइनस 1765, इसको माइनस किया तो ये हो गया गाइस आपका 49. ठीक है और ये हो जाएगा गाइस आपका माइनस 7F. माइनस से माइनस कैंसिल, एफ इधर, 7 इधर क्या है गाइस? मल्टीप्लाई में, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो 7. तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया गाइस आपका सर? 7. यानी कि हमारा एफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ को ही तो हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी मानी थी, तो हमारा एफ क्या है? 7. यानी कि हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 है. तो गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को भी निकाल सकते हैं अर्थमेटिक मीन में. ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर. पक्का? जी देख लीजिएगा इसे एक बार दोबारा ढंग से, कोई डाउट तो नहीं होगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया सर मैंने. जैसे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में अर्थमेटिक मीन को निकालते थे वैसे ही निकाला है, कुछ भी अलग नहीं किए. बस वहाँ पे क्या होती थी, वहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालना होता था, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, वहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी होती थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और कुछ भी अलग नहीं किया है. बिल्कुल जैसे आप करते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में वैसे ही किया हुआ है. तो गाइस फिर भी कोई डाउट है
एक बार प्रैक्टिस करिए इसको, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। कैसा भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके मैं पूरी कोशिश करता हूँ गाइस कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो गाइस तब तक के लिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होता है तो डाउट पूछिए मुझसे। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस।